जय झूलेलाल दोस्तों, मां निखिल रमन राजपाल तव्हां सभिनी नाज़रीन जो असां जे हिन प्रोग्राम में स्वागत थो कयां, जंहिंजो नालो आहे द अनसंग हीरोस। दोस्तों, असीं जीअं पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि खे सिंधी साहित्य, सिंधी संस्कृति, सिंधी गीत संगीत जी ॼाण ॾींदा आहियूं, उन सां गॾोगॾु ज़रूरी आहे त असांजे ॿारनि खे सिंधी क्रांतिकारियुनि ऐं सिंधी सपूतनि जी ॼाण ॾियूं। असांजे हिन प्रोग्राम द अनसंग हीरोज़ जो मक़सदु ई आहे त नई ॾहीअ ताईं सिंधी क्रांतिकारियुनि ऐं सपूतनि जी ॼाण पहुचाए। दोस्तों, ही प्रोग्राम द अनसंग हीरोज़ महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी ऐं सिंधु सखा संगम जे गॾियल सहकार सां तव्हांजे अॻियां पेश थी रहियो आहे। अचो त ॾिसूं था पिया असांजे हिन प्रोग्राम जो हिकिड़ो प्रोमो। 15 अगस्त 1947, भारत जी आज़ादी। आङरियुनि ते ॻणण जेतिरनि अॻवाननि बाबति असांखे डिटेल में ॿुधायो वियो आहे, पढ़ायो वियो आहे, पर शायदि केतिरा ई भारत माता जा सपूत जिन खिलंदे खिलंदे देश जी रखिया करण लाइ पंहिंजी जान ॾिनी, उन्हनि खे असांजो इतिहास ॾियण ॾीही वियो। असांजे सिंध जे सपूतनि जो बि को अलॻि नसीब कोन्हे, त अचो सिंध जे सपूतनि खे यादि कयूं, उन्हनि जो जीवन दर्शन कयूं। डॉक्टर हूंदराज दुखायल, कुमारी ॾेठी सिपह मलाणी, प्रेम रामचंदाणी, हेमू कालाणी, डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी, एन आर मलकाणी, आचार्य कृपलाणी, दादा जयरामदास दौलतराम, दादा रोचीराम थावाणी, परचो केवलराम आलाणी उर्फ विद्यार्थी, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी ए सिंधु सखा संगम पारां पेश थींदड़ वेबिनार सीरीज सीजन 1 द अनसंग हीरोज, जेका तव्हां ॾिसी सघंदा हर जुमे ते शाम जो 7 बजे महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी जे यूट्यूब चैनल महा साहित्य में। असांजे हिन वेबिनार जा मेंटोर आहिनि डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश लछाणी जी, जिन जो सिंधी साहित्य लाइ कयल योगदान लासानी आहे। द अनसंग हीरोज, तव्हां बि ॾिसो, घर जे नंढड़नि खे बि ॾेखारियो। जय झूलेलाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हिन प्रोमो में जेके तव्हीं क्रांतिकारी ऐं सिंध जा सपूत ॾिठा, इहे त सिर्फ़ क्रांतिकारियुनि जे फ़हिरिस्त जा कुझु ई नाला आहिनि, पर इहा फ़हिरिस्त काफ़ी वॾी आहे। असांजी पूरी कोशिशि रहंदी त ॿियनि बि क्रांतिकारियुनि जे जीवन ते असीं हिन शो जे ज़रिए रोशनी विझी सघूं। अॼु जे असांजे हिन एपिसोड में असीं जंहिं क्रांतिकारी जे जीवन ते रोशनी विझंदासीं, उहे आहिनि डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी। असांजे अॼु जे हिन एपिसोड में जेके म्यूज़िक महिमान असां सां गॾु थींदा ऐं पंहिंजा वीचार वंडींदा, उहे आहिनि सचिन निंबालकर जी, डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश लछाणी जी, डॉक्टर संध्या कुंदाणी जी ऐं कुमारी तमन्ना लालवाणी जी। असीं हिकु हिकु करे इन्हनि म्यूज़िक महिमाननि सां गॾजंदासीं ऐं इन्हनि जा वीचार ॿुधंदासीं। सभ खां पहिरीं वक़्तु आहे मिलण जो सचिन निंबालकर जी सां। सचिन निंबालकर जी जेके महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी जा सह निर्देशक आहिनि ऐं जंहिंजे वातां सिंधी ॿुधी ईअं लॻंदो आहे त हिकु नॉन सिंधी पंहिंजे दिलि सां सिंधियत ऐं सिंधी ॿोलीअ सां पंहिंजे प्यार ऐं सिक जी वाफ़ियत ॾेई रहियो आहे। अचो त ॿुधूं था वीचार सचिन निंबालकर जी जा। जय झूलेलाल। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी मुंबई जे हिन महा साहित्य यूट्यूब चैनल ते मां अकेडमी जे तरफ़ा सभिनी ॾिसंदड़नि खे दिलि जे गहराई सां भलीकार करियां। तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी महाराष्ट्र में सिंधी अदब ऐं सखावत जे वाधारे लाइ काम करी रही आहे। जंहिं करे वक़्त बे वक़्त अकादमी तरफ़ा केतिरा ई प्रोग्राम थींदा रहंदा आहिनि। मां तव्हां सभिनी जो थुराइतो आई आहियां, जो असांखे सदाई तव्हां हाज़िरीनि जो सुठो सहकार मिलंदो रहे थो। हिन साल असांजे सॼे भारत देश में आज़ादीअ जो 75 सालगिरह जो अमृत महोत्सव वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए पियो वञे। हिन महोत्सव जे तहत अॼु जे प्रोग्राम जी रिथा रथी वई आहे। आज़ादीअ जे जदोजहद में जिन पंहिंजी जीवन अर्पण कई, देश जे आयरन शहीदनि ऐं महान शख़्सियत खे यादि करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे। जंहिं करे महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी ई सिलसिलो शुरू कयो आहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी ने सिंधी वीर सपूतों की कहानी द अनसंग हीरोज यह सीरीज शुरू की है, जिसमें सिंधी वीर सपूतों की कहानी सिंधी मान्यवरों की ज़ुबानी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। अब तक इस सीरीज में अमर शहीद हेमू कालाणी जी, दादा हूंदराज दुखियाल जी और कुमारी जेटी सिपमलानी जी पर आधारित 3 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं, जो आप इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज का 4th एपिसोड डॉक्टर चोइथराम गिड़वानी जी पर आधारित है। डॉक्टर चोइथराम गिड़वानी जी चिकित्सा अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा में कार्यरत थे। 1915 में
वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए। उन्होंने 1922 में रौलेट एक्ट, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। वे सेवा और आत्मबलिदान के प्रतीक थे। आज के इस एपिसोड में सम्मिलित मान्यवर डॉक्टर जगदीश लच्छानी जी, मिस तमन्ना लालवानी जी, प्रोफेसर डॉक्टर संध्या कुंदानी जी, जो डॉक्टर चोइतराम गिरवानी जी की जीवनी पर और उनके कार्य पर प्रकाश डालेंगे। अजूजा मेहमान आए डॉक्टर जगदीश लच्छानी जी, मिस तमन्ना लालवानी जी, प्रोफेसर डॉक्टर संध्या कुंदानी जी। अजूजा प्रोग्राम की कार्यवाही मिस्टर निखिल राजपाल हलाय रो है। ये प्रोग्राम प्रोड्यूसर मिस जूली तेजवानी जेका सिंधु सखा संगम जी सदर है। मैं आप सब दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो कृपया अपनी राय कमेंट में लिखें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस करें। माता सबनी के विनती तो करें, मेहरबानी करी प्रोग्राम दिसो पेंजी के खानदान दोस्तों सा लिंक शेयर करो। माँ महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी तरफा सभी दिसंदरन सिंधी जे आशिकन जो शुक्रगुजार आया। मुखा चेकरी सिंधी लोज में गलती थी हुजे, मेहरबानी करें, माफ करें, तवाजी मेहरबानी, थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों ही हुआ सचिन निम्बालकर जी जिन काफी खूबसूरती असा असा के डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी के बारे में बुधायो। हाने वक्त है असा जे हन शो जे मेंटोर सा गिरजण जो, जेके हन डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश लच्छानी जी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश लच्छानी जी असा जे हन द अनसंग हीरो सीरीज जा मेंटोर आहिन। असा के हनन क्रांतिकारियन बाबत जेका भी जान गुर्जंदी आहे वहा असा के डॉक्टर जगदीश लच्छानी जी मेसर कराइंदा आहिन। हन रोड वजी हनन सा गजी असा के इ लगंदो आहे त असी के सिंधी जे खजाने सा मिल्या आयु। हनन जे खजाने मा के मण्या असा के मिलंदा आहिन, जेंजे लाय असी डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश लच्छानी जा तहे दिल सा शुक्रगुजार आयु। अजो तो पहिरी जाणो था डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश लच्छानी जे सिंधी साहित्य में योगदान बाबत, ऐं पोए उनन जे वाता बुधंदा से डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी बाबत उनन जा विचार। डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश शोभराज लच्छानी 14 दिसंबर 1949 खां अडो के दिन ताई एक कामयाब ए जुनूनी सफर। इन सफर में जगदीश सर केतराई किताब लिखिया आहिन, केतरनी साहित्यकारन, क्रांतिकारियन ए बेन मायनास शख्सियतन जे जीवन के दर्शकन अग्या पेंजी लिखणी जरिए आंदो आहे। केतराई रेडियो ड्रामास पण लिखिया आहिन, किताबन जो तर्जुमो कयो आहे। हिंदी ए इंग्लिश में भी सिंधी साहित्य के नई टही ताई पहुंचाण लाइ भी किताब लिखिया आहिन। सर एमए, एमफिल ए पीएचडी पिण सिंधी साहित्य में करे सिंधी बोली जो गाट ऊंचो कयो आहे। 2001 खां 2019 ताई कालानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में एज अ प्रिंसिपल रही सर पेंजू शेवाऊं डिनू आहिन। हिनन जे कयल योगदान जी कदुर शनासी कंदे खेन हिनन के साहित्य अकेडमी अवार्डन ए बेन भी केतरनी अवार्डन सा नवाजियो वियो आहे। डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश लच्छाणी जो सिंधी साहित्य में योगदान एक अहम जगह वाला रे थो। भारत में अहरा शख्स तवां के आंगुरन ते गणन जेतरा मस मिलंदा जिन पहिंजी सजी जमार देश ए देशवासियुनि मथां कुर्बान कई हुजे। अहिड़नि सिंध ऐं सिंधियत जे ख़िदमतगारनि में डॉक्टर चोइथराम गिदवाणीअ जो नालो अवल सफ़ में सोनहरी अखर में दर्ज थियलु आहे। डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी जो जनम आमिल प्रताप राय संतदास गिदवाणीअ जे घर 25 दिसंबर 1899 ते हैदराबाद सिंध में थियो। आज़ादीअ जे इतिहास में हिन क़ौम परस्त जो आस्थान युगानो आहे। हू हिकु वॾो देशभगत ऐं मुहब वतन हो। सालनि जा साल आज़ादीअ जे आंदोलन में सरगर्म बहिरो वठण करे केतिरा दफ़ा हिन खे जेल में वञिणो पियो। चोइथराम गिदवाणी नंढे हूंदे खां ई होशियार ऐं महिनती हो। हिन 1908 ईस्वीअ में मैट्रिक जो इम्तिहान पास करे कुझु वक़्तु मास्तरी कई। हिन 1909 में हैदराबाद मेडिकल कॉलेज में दाख़िला वरिती ऐं 1913 में डॉक्टरीअ जो इम्तिहान पास करे हैदराबाद जे पसगिरदाई वारे तालुके में डॉक्टर मुक़ररु थियो, जिते हू ॻोठाणनि जी चङी ख़ासी ख़िदमत करे सघियो। कुझु वक़्त खां पोइ हिन जी बदली हैदराबाद सेंट्रल जेल में थी।
हू उते इनकलाबी ए कौमी वीचारधारा रखंदड़ सियासी कैदियों से लहवचर में आयो। डॉक्टर चौथराम गिदवाणी आचार्य कृपालाणी के सोहबत में अचण करे सन 1915 ईस्वी में पैंजे डॉक्टरी पेशे के छदे सियासत में गिरियो। सन 1916 में लखनऊ में ऑल इंडिया कांग्रेस जो इजलास थो जैमें चौथराम गिदवाणी शिरकत कई। उते हू रईस गुलाम मोहम्मद भुर्गरी सेठ हरचंद राय विशनदास जयराम राव दौलत राम से गडियो। चौथराम गिदवाणी उतां वापस अची समूरी सिंध जो दौरो कयो ऐं कांग्रेस कमेटियूं ठाहियूं। 1918 में खेस कांग्रेस कमेटी हैदराबाद जो सदर चूंडियो वियो। सन 1919 में जॾहिं महात्मा गांधी रोल्ट एक्ट खिलाफ़ हड़ताल जो ऐलान कयो त हिन गजेंद्र शेर हिन खे चवंदा रोरिंग लायन हिन गजेंद्र शेर ज़ोर सां तकरीर करे हैदराबाद में मुकमल हड़ताल कराई। जलियाना वाला बाग जे कहरी कोस खां पोइ कांग्रेस जो इजलास अमृतसर में कोठायो वियो उन मक़सद सां त पंजाब जे माण्हुनि जे दिलनि ते कुझु थधो छंडो पए। उहो इजलास 1919 में थियो ऐं सभापति हो पंडित मोतीलाल नेहरू। चौथराम गिदवाणी सिंध मां माण्हुनि जी हिकु ख़ासि ट्रेन कराए वियो। इजलास जे पछाड़ीअ में पंडित मोतीलाल चौथराम खे चयो यार तूं बि ॿ अखर ॻाल्हाए। चौथराम जेका उते स्पीच कई उन जो असर माण्हुनि ते बेहद थियो। पछाड़ीअ हुन चयो मत डरो अगियार के ज़ुल्म सितम ते या भाइयो मत डरो अगियार के ज़ुल्म सितम से भाइयो हम फ़क़त पैदा हुए हैं आज़माने के लिए। महात्मा गांधी चौथराम गिदवाणीअ जे कार्यशैलीअ खां एतिरो त मुतासिर थियो जो खेसि सेवाग्राम आश्रम में अची कमु करण जी नींड ॾिनई। पर हिन देशभक्त मातृभूमि जे सेवक नाकार कंदे चयसि मां पंहिंजे वतन सिंध में रही माण्हू जी ख़िदमत करणु चाहियां थो। लाला लजपत राय ऐं पंडित मदन मोहन मालवीय बि हिन जे देशभक्तीअ जे निष्ठा खां बेहद प्रभावित थिया। लाला लजपत राय त चौथराम गिदवाणीअ जो पार्टी वर्कर खे मिसाल ॾींदे अक्सर चवंदो हो डॉक्टर चौथराम गिदवाणी को रवाजी माण्हू कोन्हे हू तपस्वी आहे सिंध भागन भरी आहे जंहिं चौथराम गिदवाणीअ जहिड़ो सपूत पैदा कयो आहे। चौथराम गिदवाणीअ कसम खयों हो त मां शादी न कंदुसि ऐं सॼी उमिरि देश सेवा में गुज़ारींदुसि। हिन हैदराबाद में ब्रह्मचर्य आश्रम बिरपा कयो जेको क्रांतिकारियुनि लाइ अंडरग्राउंड ते कमु ईंदो हो। रास बिहारी बोस काका कालेलकर वग़ैरह उतां अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ इनकलाबी सरगर्मियूं हलाईंदा हुआ। बी इट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साल्ट सत्याग्रह आर बायकॉट ऑफ फ्रीडम गुड्स सिंधीज़ वर द फोर फ्रंट सेवरल रिवोल्यूशनरी यूज़ टू कम एंड टेक शेल्टर इन ब्रह्माश्रम एट हैदराबाद। बड़ौदा में काका कालेलकर हिकिड़ो स्कूल हलाईंदो। अंग्रेज़नि खे शक पियो त काका कालेलकर उन स्कूल जे मैरिफत सरकार ख़िलाफ़ कमु पियो करे। हिन खे पकड़ण लाइ सरकार सावधान थी वई। आचार्य कृपालाणीअ काका कालेलकर खे चयो तूं हैदराबाद वञु ऐं गिदवाणीअ जो आश्रम अथई उते वञी पनाह वठि। काका कालेलकर उते आयो पंहिंजो नालो मटाए गुरूजीअ जे नाव सां उते रहणु लॻो ऐं ॿारनि खे संस्कृति जी सिखिया ॾिनई। उते गुरुकुल वांगुरु ॿारनि खे सिखिया बि ॾिनी वेंदी हुई पर अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ अणसिधीअ तरह सिधीअ तरह उन्हनि जे मन में भावना बि पैदा कई वेंदी हुई। 1921 में डॉक्टर चौथराम गिदवाणी विदेशी कपिड़नि जो बहिष्कार करे कतर तहलका तहरीक में अहम रोल अदा कयो।
जैसे शिकारपुर में अंग्रेजन सियासी अगुवान के गिरफ्तार करें मानन में दहका पैदा कर चाहो त यकदम चोइथराम गिदवाणी गजेंद्र शेर उठी पहतो ए जोशीली तकरीर सा मानन में देशभक्ति जो जज्बो पैदा कर लगो। महात्मा गांधी एक दफे यंग इंडिया जे जून 1924 वाले पर्चे में लिखो डॉक्टर चोइथराम हैज स्पेंड ऑल इस टाइम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड फॉर सर्विस टू द कंट्री ही हैज एडॉप्टेड फकीर माना ही फकीर है जैंजी सजी जिंदगी देश के दई छी है। 21 अप्रैल 1921 में जैसे महात्मा गांधी सिंध के दौरे से आयो तो चोइथराम गिदवाणी सजो सिंध साणस गड रो 18 मार्च 1922 से महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर 6 साल जेल की सजा मिली गिदवाणी के भी गिरफ्तार कर 1.5 साल की सजा मिली। 1928 जैसे इंग्लैंड में साइमन कमीशन कांग्रेसी मेंबरन सा गालियों करन आई तब कांग्रेस साइमन कमीशन जो बहिष्कार कर तद डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी गुझे नमूने सवे कार्यकर्ताओं के कराची पहुँचाए कारा झंडा ए पोस्टर दई साइमन कमीशन जो बहिष्कार करो मुल्क जा जासूसी इदारा ए पुलिस खातो वायरो थी वो तही मानू आया कितों। महात्मा गांधी जैसे लून सत्याग्रह शुरू कर चोइथराम गिदवाणी 1930 में पैंजे साथियों से गड लून सत्याग्रह में सरगर्म बहरो वरतो लून के कानून की भनकड़ी कई ब्रिटिश हुकूमत के अड़ो मौको खपंद हो इनके गिरफ्तार कर मथ बगावत जो केस हलाया हो जद कोर्ट में केस थे हलो तो मानन जो अंबू कोर्ट में काहे पियो चोइथराम गिदवाणी मानन में बेहद प्यारो मानू उन के बेहद इज्जत ए श्रद्धा की निगाह से दिसंदा हुआ इन करे उनन जे मन में उत्सुकता हुई त दिसूं केस जो मतलब छातो थे मानन के तितर बितर करन लाए पुलिस मानन ते गोलिन जो वसकारो कयो फायरिंग में मेंगराज लुला ए दुनी चंद शहीद थी विया ए दादा जयराम दा दौलत राम सख्त जख्मी थियो चोइथराम के 6 महीना सजा आई। चोइथराम गिदवाणी निहायत ही निर्मल दिल ए फकीर मनुष्य इंसान हो न फकत वो देशभगत ए मोहब वतन हो पर समाजी कार्यकर्ता भी हो। सन 1949 में कोइटिया में वो जिलजिलो आयो जैमें 20,000 मानू मरी वह हु उते वो ए सतायल के लिए फ्री फूड ए दवाओं जो वही बंदोबस्त कयन महात्मा गांधी चवण से भंगी क्वार्टर्स में वही संदन सुध लहण लगो संदन सबाल रहन लगो। महात्मा गांधी सिंध में 6 दफा आयो हर दफे सिंधियों सद में सद दिनों जैसे महात्मा गांधी सन 1942 ईस्वी में क्विट इंडिया यानि भारत छड़े वनो हलचल हलाई त उनकी चिंग सिंध में पहती हजारे नंडा वडा बार बुढ़ा जालू मर्द उन तहरीक से जुड़ी व्या जेल भरियाऊँ विदेशी सामान जो बहिष्कार थे लगो होर तहरीक बिजोर हुई टंडरे आदम ए उडेरे लाल स्टेशन के विच में होरन ने रेलगाड़ी किराए छी यो सब क्विट इंडिया आंदोलन जो असर हो। डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी भी मानुन की अगवानी कदो रो सजे सिंध में ब्रिटिश हुकूमत गिरफ्तारियों करण करे शुरू कयूं चोइथराम गिदवाणी के 13 अगस्त 1942 ते गिरफ्तार करे कराची जेल में रखे वो। चोइथराम गिदवाणी सहाफी भी हो सहाफी माना जो अखबार नवीसी में कम कदो हो हिंदू नाले अखबार जो संपादक भी थी रो जी एम सैद संदस खास दोस्त में हो हिंदुस्तान जो विरहाङो थियो विरहाङे सबब चोइथराम गिदवाणी बेहद दुखी थियो हिन विरहाङो नथे चाहियो
4 अगस्त 1947 ते आचार्य कृपलाणी सिंध में आयो त हिन में हिंदुस्तान जे विरहाङे जी हिमायत कई। अगस्त 1947 जे पोयन ॾींहनि में कोइटा में हिंदुनि खे क़तल कयो वियो। डॉक्टर गिदवाणी पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान सां गॾिजी कोइटा वियो ऐं हुते हिंदुनि जे क़यास जोॻी हालति ॾिसी उछंगारूं ॾेई रोअण लॻो। नागवार हालतुनि सबबि हू नवंबर 1947 ते बम्बईअ हलियो आयो। देश जे आज़ादीअ ख़ातिर जिन सिंधियुनि पंहिंजो सभु कुझु क़ुर्बान कयो, वेंदे पंहिंजी प्यारी धरती बि सुवाह करे आया, उन्हनि खे अटे लटे ऐं अझे लाइ काफ़ी जाखोड़ ऐं जफ़ाकशी करणी पई। सियासत सिंधियुनि सां अहिड़ो त मज़ाक कयो जो हिक ई धक सां हज़ारनि सालनि वारी सुधरियल जाति अण सुधरियल ज़िंदगी गारण लॻी। हिंदू सिंधियुनि सां पेश आयल बदनसीबीअ वारी अहिड़ी दुर्घटना मुश्किल ई कंहिं ॿिए मुल्क जे इतिहास में थी हूंदी जो मुल्क जे आज़ादु थियण ते हिकु फलियल फूलियल जाति पंहिंजो सभु कुझु विञाए पंहिंजे ई आज़ादु देश में बेवतन थी भिटकण लॻंदी। डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी भारत सरकार खां को बि उहिदो न वरितो, पर सिंधियुनि खे हक़ वठी ॾियण लाइ राति ॾींहुं हिकु करे छॾियो। वतन खां विछड़ियल सतायल सिंधी भाइरनि जे हिन ख़ूब सेवा कई। हिन जे अथक कोशिशुनि ऐं वज़नदार दलीलनि अॻियां झुकी हिंदू सरकार निर्वासियुनि खे क़िले मंझो एवज़ो ॾिनो। सिंधी थ्रू द एजिस में प्रकाश भारद्वाज लिखे थो, डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी वॉज द ओनली मैन फ्रॉम सिंधी पॉलिटिशियंस हू वॉज वेरी मच वर्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड रीसेटलमेंट ऑफ सिंधीज। निर्वासियुनि खे क़िले मंझो इर्दो मिलियो। वल्लभ भाई पटेल खे इंडियन नेशनल कांग्रेस जे जयपुर जे इजलास में चवणो पियो त चोइथराम गिदवाणी निर्वासियुनि जे ॾुखनि ऐं तकलीफ़ुनि खे ॾिसी पागल थी पियो आहे। सिंध ऐं सिंधियुनि जो अहिड़ो आशिक सियासतदान 12 सेप्टेंबर 1957 में मुंबईअ में चालाणो करे वियो। शाह साईं ठीकु ई चयो आहे, माण्हू सभई न सुहिणा, पखी मिड़ई न हंज, कंहिं कंहिं माण्हूअ मंझि अचे बोए बहार जी। परसराम ज़िया साहिब जूं कुझु सिटूं दादा चोइथराम गिदवाणीअ खे श्रद्धांजलि ॾींदे। रहबरी जंहिं थे कई सो रहबर वेंदो रहियो, जो गजो थे शींह वांगुरु शेर नर वेंदो रहियो, सिंधियुनि जो शान ऐं जानी जिगर वेंदो रहियो, मुल्क जो बेबाक बांको ऐं निडर वेंदो रहियो, पंहिंजे जीवन खे बणाए कारगर वेंदो रहियो, जो वतन जो वेछ थियो सो डॉक्टर वेंदो रहियो, सुख छॾे संसार जा हुन पाण गोंदर सां गॾियो, बालपण जो भन ॿुढापो क़ौम खे ॾेई छॾियो, सॾु ऊनायाई वतन जो जीअं वतन हुन खे सॾियो, सिर जी सट ॾेई ॿियनि जीअं हुन बि भारत खे अॾियो, बापूअ सां गॾिजण जे लाइ थी मुंतज़िर वेंदो रहियो, जो वतन जो वेॾ थियो सो डॉक्टर वेंदो रहियो, ऐ ज़िया दिलेर जे लाइ जनता रोए थी ज़ार ज़ार, आब अखड़ियुनि में वहे थो जीअं वहे गंगा जी धार, सख़्त दिलि वारा बि सुॾकनि में पवनि था बार बार, मुल्क में मातम मतो दिलि थी चवे बे इख़्तियार, जो हक़नि जे लाइ लड़ियो सो सोल्जर वेंदो रहियो, जो वतन जो वेॾ थियो सो रहबर वेंदो रहियो। दोस्तों, ही प्रोग्राम तव्हीं ॾिसी रहिया आहियो महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल महासाहित्य ते। जेकॾहिं तव्हीं पहिरियों दफ़ो हीउ प्रोग्राम हिन चैनल ते ॾिसी रहिया आहियो त तव्हीं हिन चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा, छो त असांजा ॿिया बि ईंदड़ एपिसोड्स हिन चैनल ते तव्हांखे ज़रूरु मिलंदा। दोस्तों, हाणे वक़्तु आहे असांजे नेक्स्ट म्यूज़िक महिमान सां गॾिजण जो, जिन जो नालो आहे डॉक्टर संध्या कुंदानी जी। डॉक्टर संध्या कुंदानी जीअ जो सिंधी तइलीम ऐं सिंधी साहित्य सां गहिरो लाॻापो आहे। अचो त उन्हनि खां ॼाणूं था त डॉक्टर चोइथराम गिदवाणीअ जो सिंधी समाज लाइ छा योगदान रहियो, असांजे सिंधी साहित्य में डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी कहिड़ी जॻह वाला रहंदा। पहिरीं थोरे में ॼाणंदासीं डॉक्टर संध्या कुंदानी बाबति ऐं पोइ
उन्हनि जा वीचार असीं ॼाणंदासीं डॉक्टर चोइथराम गिदवाणीअ जे जीवन ते। डॉक्टर संध्या कुंदनाणी मैडम जो सिंधी तहलीम ऐं साहित्य सां चङो ऊनो लाॻापो आहे। श्रीमती चांदीबाई हिम्मतमल मनसुखाणी कॉलेज में सिंधी डिपार्टमेंट जी हेड बणजी खेनि ॿारनि खे बि सिंधी पढ़ण लाइ काफ़ी हिमथायो आहे। न सिर्फ़ एतिरो पर हू अॼु सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूंदे IAS जे शागिर्दनि जो बि मार्गदर्शन कंदा आहिनि। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी में पिण पंहिंजूं शेवाऊं कामयाबीअ सां ॾेई सिंधी ॿोलीअ जो गाट ऊचो कयो अथऊं। सिंधी साहित्य में हिननि अटकल 32 किताब लिखी घणेई पेपर तयार करे उन्हनि खे शाय करे लासानी योगदान कयो आहे। खेन कदुर शनासी ऐं साराह कंदे महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी अवार्ड, NCPSL अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड ऐं ॿियनि बि केतिरनि अवार्डनि सां नवाज़ियो वियो आहे। एज़ अ ऑर्गेनाइज़र हिननि अटकल 50 सिंधी साहित्य ऐं सांस्कृतिक कार्यक्रम बि रथिया आहिनि। सिंधी क़ौम तमामु ख़ुशनसीब आहे जो असांजे क़ौम में शहीदनि, संतनि, दरवेशनि, समाज सेवकनि, राजनीति अॻवाननि, साहित्यकारनि, विद्वाननि, आलिमनि जी फ़रसत तमामु लंबी आहे। जंहिं फ़रसत जे नालनि जे शुरूआती अख़र में समूरी नई अरबी आयोटिया जा अख़र संभालिया आहिनि। अहिड़नि लाफ़ानी ऐं लासानी किरदारनि पंहिंजे शख़्सी ज़िंदगी जा हसीन पल चुराईंदे जुदा जुदा खेत्रनि शहीदनि शहादत जो जाम पीते देश भगतनि हुब अलवतनीअ जा ॿिज पोखींदे समाज सेवकनि ऐं राजनीति अॻवाननि समाज जे दुखनि दर्दनि खे दूर करण जी कोशिश कंदे संतनि धार्मिक प्रवचननि सां सिखियाऊं ॾींदे आलिमनि विद्वाननि ऐं साहित्यकारनि दिमाग़ी वर्जिश ऐं दिलि जी खोट खोटा कंदे समाज अॻियां शिफ़ाफ़ आइनो रखंदे अहिड़नि किरदारनि सिंधूअ जहिड़े विशाल अमीक में लॻातार ऊनियूं ट्यूबियूं हणंदे माज़ी ऐं हाल जे वर्कनि खे सिंगारे ऐं सवारे मस्तक़बल जे ईंदड़ नस्ल लाइ प्रेरणा भरियो कमु कंदे इतिहास रचियो आहे। अहिड़नि अणलभ हीरनि बेबा क़ीमती मोतियुनि ऐं जवाहरनि न फ़क़त पंहिंजे क़ौम समाज भारत पर समूरी दुनिया में सिंधी क़ौम जो ॻाट ऊचो रखियो आहे। ॿियनि क़ौमुनि सां गॾु सिंधी क़ौम जा पिणु अहिड़ा शानदार खोड़ खोड़ खुलियल किताबनि जी शायदि समूरे दुनिया जो इंडलठी कैनवास बणींदो रहियो आहे। असांजे सरमौर सरताज शायर शाह लतीफ़ फ़रमायो आहे, सेव पुॼाड़ा पुर थिया पुर पिया समुंड सयो जिन आंदाऊं अमीक मां मोती जवारनि लदाऊं लतीफ़ चए लालू मां लहरनि काने क़ीमत तिन मुल मांगो कतरो। अहिड़नि लाफ़ानी ऐं लासानी किरदारनि जे सथ मां हिकु अनमोल माणे क्रांतिकारी आज़ादीअ जो उपासिक देश भगत समाज सेवक राजनीति अॻवान ॾेतीलेती मंडलीअ जो पायो विझंदड़नि मां हिकु पीर जो पत्थर रंगमंच जो किरदारु मज़मून निगार शायर आदर्श मास्तर लोकमान्य तिलक जी बर्पा कयल होम रोल लीग जे शाख सिंध में क़ाइमु कंदड़ लोकमान्य तिलक हाई स्कूल बर्पा कंदड़ नेशनल सर्विस ऑफ स्टूडेंट्स जो पायो विझंदड़ ऑल इंडिया कांग्रेस जे वर्किंग कमेटी जो मेंबर इंडियन नेशनल जो मेंबर ऐं सदर हिंदू अख़बार जो एडिटर आज़ादी जी जदोजद में लगातार जेल जो यात्री जंहिं जेल खे तीर्थ आस्थान बणाए रखियो आहे बेबाक बेडपो ऐं निंडर जंहिं पंहिंजे जीवन जे हसीन पलनि मां कुझु कुझु पलनि पर समूरा पल चुराईंदे शादीअ जे बंधन खां पाण खे मुक्त कयो ऐं जनम खां आख़िरी साह ताईं बसि पाण खे देश लाइ अर्पण कयो। अहिड़े नेकदल इंसान संस्कारी चयवान आदर्श नागरिक
गुणन जी खान जै पैंजे समूरी जिंदगी एक योगी बणजी अलग अलग खेत्रन में योग बचायो। सिंध में आजादी जे जदोजद में जेके भी अलग अलग हलचलियों हलियों घणो करे तिन हरनी हलचल में चोइथराम गिदवाणी जो नालो अहम उभरी अचे तो। संदस परडाडो संतदास दरवेश हो जेको वफात बैद हयात थियो ऐं संत जे आशीर्वाद सां खेस हिकु पुट ॼायो जंहिंजो नालो प्रताप राय हो। प्रताप राय खे 10 ॿारनि जी संतान थी, 5 पुट 5 धीअ। टियों नंबर चोइथराम हो। चोइथराम गिदवाणी प्राइमरी तइलीम पाड़े जे सिंधी स्कूल मां हासिलु कई। हीरानंद अकेडमी मां 1908 में मैट्रिक पास कई। उन दौर में ॾेती लेती पिणु हिकु अहम मसइलो हो। तंहिं मसइले खे दूर करण जी कोशिश लाइ ख़ासि खानचंद दरियाणी पंहिंजे साथियुनि डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी, मंगारा मलकाणी, हीरो सिपाही मलाणी, जमट भावनानी, चेतन वाधवाणी ऐं मीरचंदाणी गॾिजी हैदराबाद में ॾेती लेती नाटक मंडली बिरपा कई। चोइथराम गिदवाणी खे पहिरीं महाभारी लड़ाईअ वक़्तु अरबिस्तान वञण जो हुकुम मिलियो, पर हिन इहो क़बूल कोन कयो। 1920 में महात्मा गांधी स्वराज वठण लाइ कांग्रेस में 1 करोड़ मेंबरनि बणाइण ऐं उन लाइ 1 करोड़ रुपया कठो करण जी अपील कई। उन सिलसिले में लोकमान्य तिलक सिंध वियो। चोइथराम गिदवाणी सिंध जे दौरे ते संदसि साणु रहियो। 1929 में जॾहिं साइमन कमीशन कराचीअ में दौरो कयो तॾहिं डॉक्टर चोइथराम हज़ारे नौजवान तयारु कया जिन खां शहर जे भितियुनि ते साइमन गो बैक जा पोस्टर हणाई। जेल में रहंदे हिन इनकलाबी शायरीअ ते कलम हलायो। शायरी जे खेत्र में डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी चेतन जे तख़ल्लुस सां शायरी लिखी। अहिड़े क्रांतिकारीअ जी शायरीअ मां हुब अलवतनीअ जो अहसासु ॿुधंदड़ बि माणनि। दफ़े ॾेई देश मां ही हुकूमत दाड़ी, मथे वञे मुल्क मां ही सरमाए दाड़ी, चेतन बुख ऐं बेकारी क़ाइमु रहंदी की न की। जॾहिं त चोइथराम गिदवाणी हाणियुनि जी दिलि वठंदे लिखे थो, वरी वणंदो वाड़ो तुंहिंजो हिमत न हार हारी, ॾुखिया लंघिया ॾींहं रा संद आ सुखन संदरी तयारी। हक़ मिले हक़दारनि हाणे चौ चौ थी चौधारी। 3 जून 1947 अंग्रेज सरकार तरफ़ां मुल्क जे विरांगे जो ऐलान थियो। कांग्रेस में 2 धुरियूं हुयूं, हिकिड़ा विरांगे जे फ़ाइदे में हुआ ऐं ॿिया विरांगे जे बरख़िलाफ़, जंहिं लाइ कराचीअ में मेयर कोठाया विया। चोइथराम गिदवाणी दिल्ली कॉन्फ्रेंस में वियो, जिते सभिनी विरांगे जे ख़िलाफ़ ठहिराउ पास करे कांग्रेस खे अर्ज़ु कयो त विरांगो क़बूल न कयो वञे। पर कांग्रेस अॻु ई विरांगो क़बूल करे चुकी हुई, हाणे कुझु नथे थी सघियो। 1947 में आज़ादी त मिली, पर पोइ बि निफ़ाक़ जो ॿिज छुटकाइण में अंग्रेज़नि ई खटियो। जिन ॿिजनि जा सलाह उभरिया ऐं वण थिया, नेठि ख़ौफ़नाक इतिहास जो निज काड़ो बाब वड़ियो ऐं वॾे पैमाने ते लॾ पॾाण थी। उन वक़्तु अंग्रेज सरकार खटियो सो खटियो, पर अॼु बि अंग्रेज़नि जा पुख़्ता ऐं घाटा निशान को छिडा नज़र कोन था अचनि। ॿियनि लखे सिंधियुनि जीअं नेठि चोइथराम गिदवाणी 30 नवंबर 1947 ते पंहिंजो अबाणो वतन छॾे भारत तरफ़ रुख करे मुंबईअ अची रहियो। चोइथराम गिदवाणी विरांगे बैदि बि उहो ई साॻियो ई अजाई शोबाज़ी ऐं लीडरी जो शौक़ खां किनारो कंदे हिकु गजंदड़ शेर जीअं नशकाम भावना सां सिंधियुनि खे वरी नए सिर वसाइण लाइ पंहिंजूं निंडूं फिटाईंदे तमामु यत्न कया। सिंधियुनि खे
थैंको करण लाइ हिन कांग्रेस जो साथ चाहियो, पर खेसि इहो सहकार पूरी रीत कोन मिलियो, जंहिं करे हू कांग्रेस खां पासीरो थियो ऐं सिंधियुनि जे मसइलनि खे दूर करण जी कोशिश में भारत भर जा दौरा कया, जंहिं कम में खेसि घणी कामयाबी बि हथ आई। 12 सेप्टेंबर 1957 ते हिन फानी दुनिया मां लाॾाणो कयो। संदसि वफ़ात बैदि सरकार मुंबईअ में हिकु रोड ठाहिरायो ऐं खेसि श्रद्धांजलि जा गुल अर्पित कया। जॾहिं त शर्मा साहिब चोइथराम गिदवाणी जी जीवनी लिखी आहे, जंहिं कोशिश करे संदसि जीवन जे हर हिकु पहलूअ खे छुहण जी कोशिशि कई आहे ऐं जीवनी लिखण में घणो कामयाब बि साबित थियल आहे, पर पोइ बि डॉक्टर चोइथराम गिदवाणीअ जे समाज शेवा जे कमनि ऐं सियासी कमनि जी विचूर जूं झलकियूं एतिरियूं विशाल ऐं वस्य आहिनि जो अञा ॿियो वॾो ग्रंथ ठही सघे। पिछाड़ी में मां महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी जे समूरे सथ जी शुक्रगुज़ार आहियां, जेको हिन महामारी कोविड जे पीरियड में सिंधी प्रोग्राम आयोजित करे थो ऐं खेसि मोट में कामयाबी मिलेसि थी। ॿियो त मां उल्हासनगर जे रंगमंच जे शहनशाह रमन राजपाल जे पुट श्री निखिल राजपाल ऐं संदसि माता सरला राजपाल जी शुक्रगुज़ार आहियां। चवंदा आहिनि हर मर्द जे कामयाबी पुठियां औरत जो हथु हूंदो आहे, ऐं दरअसल हिननि 10 एपिसोड में हिकु ई नियाणीअ जो वॾो किरदारु निभायल आहे, जंहिं ज़बरदस्त संघर्ष जफ़ाकशी करे असां सभिनी साहित्यकारनि खे हिन मंच ते जुमे ॾींहुं आंदो आहे। विरांगे बैदि सखावत जे ॾस में औरतुनि छोकिरियुनि में पहिरियों नंबर आस्थान ते संगीतकार भगंती नावाणी आहे। टियों नंबर आस्थान ते सिंधी नृत्यकी अनिला सुंदर ऐं टियों नंबर आस्थान ते इहा नियाणी जंहिं 10 एपिसोड जी माला जोड़ी आहे, उहा नियाणी आहे असांजी प्यारी सबाजरी मिठड़ी जूली तेजवाणी, जा नफ़क़त उल्हासनगर मुंबई पर समूरे हिंदुस्तान जी लाडली आहे। दरअसल अहिड़ी महान नेक दिल शख़्सियत जूली तेजवाणीअ जे शुक्रगुज़ारी मञण लाइ मूंखे लफ़्ज़ कोन था मिलनि। ही हुया डॉक्टर संध्या कुंदानी जी, जिन असांखे सिंधी साहित्य में ऐं देश जे आज़ादीअ जे लड़ाईअ में डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी जो छा योगदान हो उन बाबति ॼाण ॾिनी। दोस्तों हाणे अॻिते वधूं था असांजे नेक्स्ट म्यूज़िक महिमान सां मिलूं था, जिन जो नालो आहे कुमारी तमन्ना लालवाणी, जेके असांखे ॿुधाईंदा त डॉक्टर चोइथराम गिदवाणीअ आज़ादीअ खां अॻु ऐं आज़ादीअ खां पोइ सिंधी समाज जे वाधारे लाइ छा कयो, हुननि जो छा योगदान रहियो। पहिरीं थोरे में ॼाण वठंदासीं तमन्ना लालवाणी जी जे बारे में ऐं पोइ उन्हनि जा वीचार ॼाणंदासीं डॉक्टर चोइथराम गिदवाणीअ जे जीवनी। तमन्ना लालवाणी हिकु यंग ऐं डायनामिक पर्सनैलिटी जी धणी। तमन्ना तहलीम खेत्र सां जुड़ियल आहे ऐं साण पंहिंजी डॉक्टरेट बि करे रही आहे। सिंधी ॿोलीअ लाइ सिक ऐं शेवा भावना खेसि पिता डॉक्टर ॾेठो लालवाणीअ मां हासिल थी अथसि। हूअ दूरदर्शन ते सिंधी अनाउंसर ऐं ऑल इंडिया रेडियो ते सिंधी न्यूज़ रीडर ऐं ड्रामा आर्टिस्ट जी पोज़ीशन ते अप्रूव्ड आहिनि ऐं सुठो आज़मूदो पिणु हासिल कयो अथऊं। जय झूलेलाल। सिंध जो गजेंद्र शेर डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी। सदा हयात डॉक्टर चोइथराम प्रताप राय गिदवाणी, जैकी श्रद्धा मंझा सिंधुपति करे सॾियो वेंदो आहे। सो बुनियादी तौर असल में इनकलाबी वीचारधारा जो हो, पर महात्मा गांधी जे वीचारनि सिद्धांतनि आदर्शनि हिन खे न सिर्फ़ु गांधी जीअ जो भगत बणाए छॾियो, पर उन जे अहिंसक आज़ादी तहरीक में सरगर्म बहिरो वठी देश सदके पंहिंजो जीवन अर्पण करे छॾियो। हैदराबाद में हिकु दफ़ो महामारी इन्फ्लुएंज़ा ऐं ॿियों भेरो सॼे सिंध में प्लेग जी बीमारी फैली हुई, तॾहिं डॉक्टर चोइथराम गिदवाणी, आचार्य कृपलाणी, स्वामी गोविंदानंद ऐं ॿियनि साथियुनि सां गॾु सिंध जे ॻोठ ॻोठ में वञी बीमारनि ग़रीबनि जे तन मन धन सां शेवा कई हुई। हिन
क्रांतिकारी चेतन तखलुस से न सिर्फ क्रांति कविताओं रचन शुरू कयूं पर अंग्रेज हुकूमत खिलाफ इन बारूद हथियार पवार भी इकट्ठा करण शुरू कया। पत्रिकाओं शाये करे ए नाटक खेली आवाम में आजादी लाए जागरूकता कायम करण की लासानी कोशिश कई। राष्ट्र प्रेमी दोस्तन सा गड इन हैदराबाद में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना कई ए संस्कृत पाठशाला गौशाला आखाड़ा बर्पा करे नौजवान पीढ़ी के देश के निर्माण ए आजादी लाए रूह फूको। क्रांतिकारी खुदीराम बोस क्रांतिकारी रास बिहारी घोष ए बया जी अंग्रेजन खिलाफ लड़ने जेर जमीन थी वह हुआ उन क्रांतिकारी जिनके दिल में सर फरोशी की तमन्ना हुई चोथराम पैं आश्रम में रहायो ए शेवा कई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सा विद्वाणी जा गहरा नाता हुआ। 1940 में नेताजी लिकल वेस में भारत छड़े काबुल का थींदे जर्मनी जापान तरफ रवानो थो हो उन पैरी इन चोथराम वटा जापान इंडोनेशिया जावा सुमत्रा सिंगापुर ए में बेन हंद रहंदर सिंधी व्यापारी जा नाला हासिल किया ए भारत बाहर अंग्रेजन खिलाफ आजाद हिंद फौज की रचना कई जैमें सिंधी नेताजी की काफ़ी मदद कई ए चोथराम जिन लिकल मन जा साथी बणजी रहा। खिलाफत आंदोलन होम रूल हलचल साइमन कमीशन की खिलाफत स्वदेशी हलचल असहकार आंदोलन वगैरह वक्त पिण उन में सरगर्म पहरू वठण लाए चोथराम के जेल मोकलो वो इनकलाब इनकलाबी चोथराम गांधी जी के रहबरी साथ सहकार में रहंदे अहिंसक गांधीवादी बणजी वो हो पर शेवा त इन चालू ही रखी। देश जो विरहांगो न थिए इन लाइ पिण चोथराम खुले आम मुखालफत कई हुई जै करे इन के सिंध जो गजेंद्र शेर करे सड़ियो वियो। जड़े कांग्रेस जो प्रमुख आचार्य कृपलाणी हो तदे चोथराम गिदवाणी जयराम दास दौलतराम ए खुद कृपलाणी विरहांगे की सख्त मुखालफत कई हुई पर इन जी साधक भावना ए कोशिशों अजय व्यू। 1947 में देश विरहांगो थियो सिंधियों के सिंध में लड पलाण करनी पई हिंद में सिंधियों के वसायण उन लाइ डॉक्टर चोथराम काफ़ी कोशिशों वरत चोथराम जिनकी कोशिशों से 27 जुलाई 1947 में मेवाड़ सरकार एक गजेट में पधराई कई तो सिंध में जो मू इंदा उन रिहाइश जमीन जायों लाइ रुपया 5 लख दिना वा इन वक्त वह एराजी प्रताप नगर सिंधी कॉलोनी सडबी है सिंधियों के नौकरियों भी दिनों व्यू इन बंदोबस्त लाइ चोथराम वक्त ब वक्त मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की मुलाकात वरती लड पलाण वक्त जी कौमी फसाद थे लुटफुर मारधार थी उन लाइ जरूरी हिफाजत कर चोथराम जिन काफ़ी कोशिशों वरतियों। गांधी जी के आखिरी ढी 30 जनवरी 1948 में मंझंद जो 2:30 बजे डॉक्टर चोथराम प्रोफेसर घनश्याम ए महाराज विष्णु शर्मा ए बया गांधी से गड़िया हुआ सरकारी सतह से निर्वासी वरी वसायण में मदद करण लाइ गांधी जी जा शुक्राना भजा आंदा। गांधी जी के गोली लगी तरह चोथराम उते हाजिर हुआ ए बिरला हाउस में बाहरा उते बारन जिया हंजू हारे रोई रहा हुआ। 1952 में डॉक्टर चोथराम मुंबई थाना चूंडेराजी में मकानी उम्मीदवार के हाराए करे घणाई सा लोकसभा में चूंड जी आया जेतोड़े कांग्रेस इन के टिकट ऑफर कई हुई पर निर्वासी सिंधियों के वरी वसायण वाली मसले के खड़ी हु कांग्रेस में नाराज हो ए मुखालफत दुर के टिकट वी घणाई सा जीत हासिल कई। वो आम के सेवा में दिन रात मशगूल रो आखिर थक जी बीमार थी पो ए 13 सितंबर 1957 में 68 साल की उम्र में इन नाश्वंत दुनिया में चालाणो कयो। इन जी मौत से जड़क भारत जी सिंधियों जी दिलन जी धड़कन भीजी वही लोक लाडले नेता डॉक्टर चोथराम गिदवाणी के देश के अनेक महान नेताओं श्रद्धांजलि अर्पण कई। मुंबई कांग्रेस समिति के सदर श्री के शाह कौमी झंडे से इन मृतक शरीर के ढके मौत बैद सन्मान दिनो सर्वश्री जयराम दास दौलतराम प्रोफेसर राम पंजवाणी नानिक मोटवाणी साधु टी अलवासवाणी कन्यालाल मुंशी सुचिता कृपलाणी ए बन केतर अगवान
इन सिंधी सपूत आज़ादी जी तहरीक जी सिपाही के श्रद्धांजलि अर्पण कई अस पिण इन भाव भेण श्रद्धांजलि अर्पण क्यों था। दादा चोइथराम गिदवाणी के श्रद्धांजलि दींदे शायर गुमनाम जू कुछ सिटू तुझी याद अज भी थी दिल के उथारे तोखे डॉक्टर सिंध जी खल कसारे तू अगवान कप्तान नेता न्यारो दुखी दर्द वंदन संदो तू सहारो पराओ छा पेंजो तोखे हर को प्यारो फिदा तो मथा सिंध जो लोक सारो भरियो नीर नेणन थे तोड़ा निहारे तोखे डॉक्टर सिंध जी खल कसारे फखर सिंध जो हिंद जो तू सितारो हयाती बणी तुहिंजी रोशन मिनारो करे खलक के थी जा दूरा इशारो हलूं राह तुहिंजे वठूं तुहिंजो चारो थी गुमनाम अज आत्मा तो पुकारे तोखे डॉक्टर सिंध जी खलक सारे। तो दोस्तों हाने वक्त आहे असां जे हिन एपिसोड के विराम देणो जो तव्हां सां मुलाकात थींदी ईंदड़ जुमे ते शाम जो 7 बजे मतलब त 18 तारीख जुमे दी शाम जो 7 बजे हिन यूट्यूब चैनल ते जेमे असीं जानंदासे फ्लाइंग ऑफिसर प्रेम रामचंदाणी जे जीवन बाबत। दोस्तों वेंदे वेंदे मां शुक्रगुजार आया महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी जो जिन सिंधु सखा संगम के ही प्रोजेक्ट तव्हां जे अॻियां पेश करण जो मौको ॾिनो सचिन निंबालकर जी जो डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश लछाणी जी जो डॉक्टर संध्या कुंदानी जी जो कुमारी तमन्ना लालवाणी जो जिन पंहिंजे कीमती वक़्त मां कुझु पल कढी असां सां गॾु पंहिंजा वीचार वंडिया। मां शुक्रगुज़ार आहियां तव्हां सभिनी दर्शकनि जो जेके पंहिंजो प्यार ऐं सहकार हमेशह असांखे ॾींदा रहंदा आहियो। मां शुक्रगुज़ार आहियां असांजी टेक्निकल टीम जो जिन जे महिनत सां हीउ प्रोग्राम तव्हां ताईं पहुची रहियो आहे। वेंदे वेंदे मां निखिल रमण राजपाल तव्हां खां इजाज़त चाहींदुसि। जय झूलेलाल।